हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। व्हाट्सएप बिजनेस एंड्रॉयड वर्जन के लॉन्च के बाद बहुत सारे यूजर्स ने व्हाट्सएप बिजनेस iOS वर्जन के लिए पूछा था। रीज़न तो पता नहीं कि व्हाट्सएप बिजनेस एंड्रॉयड और iOS पे एक साथ क्यों नहीं आया। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि व्हाट्सएप के ज़्यादा यूजर्स एंड्रॉयड पे हैं। लेकिन फाइनली अब हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस का iOS वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस iOS वर्जन में क्या क्या कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे किस तरह से ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ऐप स्टोर से जा कर के व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करना होगा, जो कि मैंने कर लिया है। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू। अब ये ऑप्शन आएगा कि जिस नंबर से आप अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आपको ये बिजनेस अकाउंट उसी नंबर से बनाना है या फिर कोई दूसरा नंबर अपने बिजनेस अकाउंट के लिए यूज़ करना है। तो जो भी आपको अपने हिसाब से सूट करे वो आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको यही नंबर सेम जो भी व्हाट्सएप चल रहा है उसी नंबर से ये बिजनेस अकाउंट चलाना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरा नंबर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैंने अब ये एक अपना नंबर चूज़ कर लिया है। अब ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब आपको स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप अपना बिजनेस प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस प्रोफाइल नेम डालना होगा। यहाँ से आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस फील्ड यहाँ पे मैच नहीं होता है तो आप अदर का ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि सबसे नीचे में दिया हुआ है। ये सारे चेंजेस करने के बाद हम डन पे क्लिक कर लेंगे। ये मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम सेटिंग में आएंगे। यहाँ आने के बाद आपको बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले हम एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाते हैं। तो उसके लिए हम प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है, आपका बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम बिजनेस आवर डाल सकते हैं, कब आपका क्लोजिंग टाइम रहता है, कितने से कितने बजे तक ऑफिस है, ये सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ईमेल सेट कर लेंगे। यहाँ से हम वेबसाइट डाल लेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर लेंगे। अब हम आते हैं अवे मैसेज में। यहाँ से हम सेंड अवे मैसेज को अलाउ कर लेंगे। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, शेड्यूल, रिसिपिएंट और अवे मैसेज नोट। अगर आपको ये सारे चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सेंड अवे मैसेज नोट चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर आप इसे रिमूव करके अपना सेंड अवे मैसेज नोट लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रीटिंग मैसेज में। यहाँ से सेंड ग्रीटिंग मैसेज को अलाउ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आप अपना सेंड ग्रीटिंग मैसेज नोट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसे रिमूव करके आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर लेंगे। अब आते हैं क्विक रिप्लाइज में। ये देखिए यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड शॉर्टकट दिया गया है और एक नोट दिया गया है। अगर आप इसे भी चेंज करना चाहें या फिर ऐड करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। तो ये रेडी है मेरी मॉर्निंग एपिसोड की व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल। अगर मुझे ये अकाउंट पे किसी को डायरेक्ट इनवाइट करना हुआ तो मैं अपने फेसबुक या फिर अपने वेबसाइट जहाँ पर भी मेरा मन करे इसका लिंक दे सकती हूँ, जिसको फॉलो करके इंटरेस्टेड लोग मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लिंक कॉपी करना होगा और लिंक कॉपी करने के लिए हमें यहाँ बिजनेस सेटिंग में आना होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ से आप अपने इस बिजनेस प्रोफाइल का लिंक कॉपी या फिर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।